हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि यदि 18 का संबंध हम लोगों का 30 लिखा है तो उसी प्रकार से 36 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे उपग्रह का संबंध लिखा है कक्षा, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है प्रक्षेपास्त्र का संबंध किससे होगा और क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, इधर कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, यानी कि एक सीरीज दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 189 है, जिसने पार्ट 188 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूके पीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक, पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से यहां पर हम लोगों का दिया गया कि उपग्रह का संबंध लिखा है कक्षा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है दोस्तों प्रक्षेपास्त्र का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से देखिए उपग्रह हम लोगों का संबंध दे दिया दोस्तों, उपग्रह हम लोगों का क्या होता है कक्षा से संबंधित दिया है, तो उसी प्रकार से प्रक्षेपास्त्र। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, अब बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर गलती कर रहे थे कि उपग्रह का संबंध कक्षा जिस प्रकार दिया है, जिस प्रकार उपग्रह हम लोगों का कक्षा में ही क्या करती है गमन करती है, तो उसी प्रकार से प्रक्षेपास्त्र का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का प्रक्षेपास्त्र जो है प्रपथ, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों प्रपथ आंसर सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी को दिया, और बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर दे रहे हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो यहां पर जिस प्रकार उपग्रह का संबंध कक्षा कैसे दिया है कि उपग्रह हम लोगों का कक्षा में गमन करते हैं, उसी प्रकार प्रक्षेपास्त्र जो है हम लोगों का प्रपथ में गमन करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया श्रृंखला को पूरा करना, एक सीरीज दिया गया दोस्तों, इसको पूरा करना है। तो सबसे पहले आप 7 लिख लीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने 8 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, 13, 17, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यहीं पर क्या आएगा यही बात आपको बताना था। ये देखिए कैसे करेंगे हम लोगों के सामने कि 7 से यदि 8 पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 जोड़ना होगा तो 1 जोड़ दीजिए, उसी प्रकार से 8 से यदि 10 पे जाएंगे तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ना होगा 2 जोड़ना होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा 3 जोड़ना होगा, उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे दोस्तों कितना जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा, तो उसी प्रकार से आगे क्या जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग 5 जोड़ देंगे, तो जैसे ही 5 जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। सबसे पहले आप सीरीज को यही देखेंगे, सीरीज किस तरीके से चल रहा है, सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहां पर हम लोगों का सीरीज क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 22 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है, करे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अंक आएगी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों इस जगह पर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आपको तरीका बताते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए उसको लिख लीजिए, आखिर कैसे लिखा कि 18 का संबंध अगर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि 18 का संबंध 30 दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि 18 का संबंध आखिर कैसे लिखा हम लोगों के सामने 30, यहाँ पर लिख लीजिए 18 का संबंध 30, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 18 का संबंध, जैसे हम लोगों के सामने 30 लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा दिया, और कह रहा है कि 36 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, इस जगह पर क्या आएगा यही बात आपको बताना है। ठीक, देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों, मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से करेंगे, मान के चलिए क्या
कि 18 से यदि हम लोग 30 पे जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे दोस्तों, 12 जोड़ देंगे, तो ठीक है 18 12 क्या हो जाएगा 30। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या हम लोग यहाँ पर 12 जोड़ देंगे तो क्या हो पाएगा, अगर 36 में 12 जोड़ देंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 36 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो क्या 48 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो फिर ऐसे नहीं होगा, तो फिर आपको कैसा लॉजिक लगाना होगा, एक अलग लॉजिक लगाना होगा। क्या लॉजिक लगाना होगा, ये देखिए क्या क्या दोस्तों उसने 18 में यहाँ पर क्या क्या उसने गुना क्या कर दिया दोस्तों, 2 कर दिया, माइनस क्या कर दिया 6 कर दिया। देखिए 18 दुना 36 और 36 में 6 घटा देंगे तो हम लोगों का 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि गुना क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे माइनस 6, जो काम आप उधर के वही काम, तो 36 दुना क्या हो जाएगा 72, और 72 में जैसे ही 6 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 66 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बस तरीका को समझ लेना था कि 18 से 30 कैसे लिखा था, तो गुना 2 करके माइनस 6 घटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 36 का पूछ रहा है तो 36 में गुना 2 करके माइनस 6 घटा देंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा 66 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, करें विषम आकृति की पहचान करें, विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है, तो एकदम आप ट्राई कीजिए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये देखिए आपको जरूर पता चल रहा होगा कि इसमें देखिए सीधा सीधा रेखा इस तरीके से है, इसमें भी सीधा सीधा रेखा दिया है, इसमें भी देखिए इस तरीके से सीधा सीधा करके दिया, लेकिन इसमें हम लोगों का सीधा सीधा नहीं दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए बाकी सब में अलग अलग रेखा दिया है इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसा रेखा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों ए जो है सी का क्या है दोस्तों पिता है, तो ऐसे कर लीजिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों आप वैसे वैसे कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों, इस जगह पर कर लीजिए ए जो है वह सी का क्या है दोस्तों हम लोगों का पिता है, तो ऐसे कर लीजिए, और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस ले लेंगे, ए जो है सी का पिता, और आगे कह रहा है कि और डी जो है बी का बेटा, तो यहाँ से क्लियर नहीं है आगे बढ़ेंगे, फिर कह रहा है ई जो है ए का भाई, यानी ई जो है दोस्तों ई जो है हम लोगों का ई जो है वो क्या है, तो कह रहा है ए का क्या है भाई, वहां बोला है ई जो है ए का भाई है, तो भाई है तो पुरुष जेंडर कर दिए, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे कि जिस प्रकार से जैसे ए सी हो गया, उसके बाद अब देखिए और आगे देखते हैं डी जो है बी का बेटा, यहां से क्लियर नहीं हो रहा, आगे बोला था ई जो है ए का भाई, आगे देखते हैं रिलेशन निकाल के, फिर बोला है क्या सी जो है वह डी की बहन है, यानी सी जो है दोस्तों हम लोगों का डी की क्या है बहन है, यानी सी जो है वह डी की क्या है दोस्तों बहन है, तो बहन है यानी कि महिला जेंडर है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, सी जो है डी की क्या है दोस्तों बहन है। आगे देखिए यहाँ पर एक छूटा हुआ था कि डी जो है हम लोगों का क्या है दोस्तों बी का क्या है, कह रहा है कि डी जो है वह बी का क्या है दोस्तों बेटा है, यानी डी जो है, और यहाँ बोला था कि डी जो है बी का बेटा, तो यानी डी जो है किसका बेटा हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का बी का क्या हो जाएगा दोस्तों बेटा हो जाएगा, यानी कि ये बात क्लियर हो चुका है कि डी जो है बी का क्या दोस्तों बेटा है, ठीक है। तो आगे देखिए क्या पूछा हम लोगों के सामने, सी डी की बहन है, ये बात तो क्लियर हो चुका है, सी यदि डी की बहन है ये बात क्लियर हो चुका है, और यहाँ बोल रहा है कि इसका, तो कह रहा है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है दोस्तों हम लोगों का ई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो ई इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, कि बी यहाँ पर क्या पूछा है कि बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित है, तो हम लोगों का बी का यहाँ ई के साथ पूछा है कि ई के साथ क्या संबंध, तो आखिर अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि बी और ई में हम लोगों का ई दोनों में क्या संबंध हो जा रहा है, तो देखिए इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो क्या संबंध हम लोगों का निकल रहा है, बस आपको तरीका को समझना दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि ए जो है आप कुछ नहीं कीजिए, ए जैसे लिखा है क्या बोल रहा है सी का पिता है, तो यहाँ पर कर लेंगे ए जो है हम लोगों का सी का पिता है, तो यहाँ पे पुरुष जेंडर कर देंगे कि ए जो है सी का पिता, आगे फिर कहा है कि हम लोगों का डी जो है बी का बेटा, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों का डी जो है बी का बेटा, तो आगे क्लियर कर लीजिए, फिर कह रहा था कि ई जो है ए का भाई है, तो ए का यानी ई जो है हम लोगों का क्या दोस्तों ए का भाई है, तो ए का भाई कर दे, उसके बाद बोल रहा है सी जो है
हम लोगों का यानी सी जो है डी की क्या है दोस्तों बहन, यानी सी जो है वह डी की क्या है दोस्तों बहन है, तो इसको डी कर लीजिए, यानी कि सी जो है हम लोगों का डी की क्या है दोस्तों बहन है, तो कर दिए। उसके बाद एक चौथा डा डी जो है हम लोगों का बी का क्या है दोस्तों बेटा है, तो यानी डी जो है किसका बेटा है दोस्तों बी का क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा, तो ठीक है इसको कर दिए, यानी कि क्या है दोस्तों बेटा है, तो यानी कि पुरुष जेंडर हो गया। तो आगे देखिए सारा चीज हम लोगों का निकल के वही कर रहा है कि बी जो है ई से ई के साथ क्या संबंध है, तो बी ई क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, यानी ई क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, क्योंकि ई सब हम लोगों का भाई दिया, इसका बेटा इसका बहन इस तरीके से करके दिया है। आप समझने का प्रयास कीजिए, आप प्रश्न को रटिए ना, साफ साफ लिखा है ए सी का पिता है, तो ए जो है सी का पिता कर दिया, डी जो है बी का बेटा है, तो डी जो है किसका बेटा है दोस्तों बी का बेटा है। उसके बाद कर रहा है ई ए का भाई है, तो कर दिए ई जो है ए का क्या है दोस्तों, यानी ई जो है ए का क्या है भाई है, तो ई भी क्लियर हो चुका है कि पुरुष जेंडर है, तो प्लस सी डी की बहन है, सी जो है हम लोगों का डी की क्या है दोस्तों बहन, तो बी ई के साथ संबंध क्या है, यानी बी का हम लोगों का कर रहा है कि बी का ई के साथ, यानी ई दोनों में पूछा है, तो बी ई क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, इस तरीके से करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया छठा नंबर क्वेश्चन, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। आखिर यहां पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है तो कौन पूरा करेगा, यही आपको बात बताना है कि आखिर कौन पूरा करेगा। तो ई देखिए जैसे दिया गया तो आखिर हम लोग क्या करेंगे जो इसको इसके आकृति को पूरा करेगा, तो किस तरीके से ई देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से एक वर्ग बनेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे वर्ग बना लेंगे, क्या बना लेंगे दोस्तों वर्ग बना। देखते चलिए आप ध्यान से कि कैसे करते जा रहे हैं, प्रश्न को आपको रटना नहीं समझना, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से एक रेखा हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का जिस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर तो ऐसे कर दिए, यानी कि इस तरीके से हम लोगों का आना चाहिए, तो ठीक है सर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो इसके बाद हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एक त्रिभुज बन जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा एक त्रिभुज बन जाएगा, तो इस तरीके से एक त्रिभुज बना दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक त्रिभुज बन जाएगा, और उसी प्रकार से हम लोगों का ऊपर में एक क्या हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर क्या हो जाएगा एक त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से। तो यानी कहने का मतलब हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना, बस प्रश्न आकृति को देखना है कि कौन सी आकृति हम लोगों का इस तरीके से यहां पर मिल रहा है, तो हम लोगों का देखिए ऑप्शन नंबर ए ही रखने से क्या हो जा रहा है सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो, बाकी सभी को क्या कर देंगे गलत कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है सातवां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से यहां पर लिखा है, बड़ा जैसा लिख दिया लेकिन डराने का प्रयास कर, लेकिन डरेंगे नहीं, सबसे पहले आप लिख लीजिए दोस्तों इधर जैसे हम लोगों के सामने जो जो दिया गया उसको लिख लीजिए, जैसे ए है तो ए लिख लीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है तो सी लिख लीजिए, उसके बाद ई है तो ई लिख लीजिए, उसके बाद जी है तो जी लिख दीजिए, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे एन, उसके बाद पी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों टी, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, और क्या लिखा है दोस्तों जे लिखा है, ए डी और यहाँ पर जे लिखा है, तो यहाँ पर जे लगा दीजिए दोस्तों इस तरीके से, और क्वेश्चन मार्क इस जगह पर दिया है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे, तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, कि ए से यदि एन पे जाएंगे तो ए बी सी डी में हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ए बी सी डी में सर यहाँ पर 13 लेटर जोड़ना होगा, आप देखिए ना 13 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि आप पी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी आपको कितना लेटर जोड़ना होगा, ए बी सी डी में 13 लेटर जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से ई से यदि हम लोग पी आर पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों को 13 लेटर क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से जी से यदि आप जाएंगे दोस्तों टी पे तो यहाँ भी आपको कितना लेटर करना होगा, प्लस 13 लेटर क्या कर देना होगा दोस्तों, प्लस कर देना, यानी कितना कितना लेटर हम लोग प्लस किए हैं 13 लेटर सब में, यानी कि ए के बाद अगर एन पे जा रहे हैं तो ए के बाद बी सी डी एफ जी इस तरीके से आपको सोचना है। उसी प्रकार से यहां पर आप 13 लेटर कर दीजिए दोस्तों, इसमें क्या कर देंगे हम लोग प्लस 13 लेटर, तो जैसे ही प्लस 13 लेटर कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये देखिए जैसे ही क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 13 लेटर यहां पे कर दीजिए, तो जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ए में 13 लेटर जोड़ेंगे तो एन हो जाएगा। देखिए सारा ऑप्शन एन से ही स्टार्ट किया, कितना चालाकी कर दिया, लेकिन फिर भी इसमें कर लेते हैं, तो इसमें जैसे ही 13 लेटर ये देखिए, तो इसमें 13 लेटर जोड़ेंगे तो 13
डी के बाद अगर आप 13 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो 13, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू हो जाएगा एन, और क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से जी में आप क्या कर लेंगे दोस्तों, 13 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही 13 लेटर जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। उसी प्रकार से जे में आप 13 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप 13 लेटर जोड़ेंगे इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 13 लेटर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, एन क्यू टी डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर सब जगह पे हम लोगों का 13-13 लेटर करके लिख दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा कि कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर लिखे थे। देखिए यहाँ पर आपको बताना कि जैसे 3×5×7 क्या इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या इतना आएगा, कभी नहीं आएगा सर। तो एक विशेष प्रणाली पर क्या है, यानी कहने का मतलब उसने क्या किया दोस्तों, देखिए उसने सबसे पहले क्या किया है कि ई पाँच जैसे है तो ई पाँच को क्या कर दिया है दोस्तों, आगे कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई छः बीच वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, उसने पहले कर दिया है। ये देखिए यहाँ भी अगर देखा जाए हम लोगों का क्या किया दोस्तों, बीच वाला संख्या को पहले कर दिया। यहाँ भी अगर देखा जाए सात को, ई देखिए बीच वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, पहले कर दिया। उसने बीच वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों, पहले कर दिया। तो उसी प्रकार से आप बीच वाला संख्या को पहले कर दीजिए, जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, छः हो जाएगा। तो छः वाला देखिए कौन सा एक ऑप्शन है, देखिए आंसर ही निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बीच वाला। बाकी देखिए जैसे अब आखिरी वाला संख्या को बीच में ढुका दिया, यानी सात को सात, उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या देखिए तीन को यहाँ पर ऐसे कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आखिरी वाला संख्या जो ई पाँच है दोस्तों, यहाँ पर ई पाँच को क्या कर दिया, उसने लिख दिया है। देखते चलिए दोस्तों आखिरी वाला संख्या यहाँ पर कर देंगे तो आखिरी वाला संख्या जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। आखिरी वाला जैसे ही संख्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चार हो जाएगा। तो चौ चार, और बाकी देखिए अब हम लोगों के सामने जैसे जैसे कहा था एक विशेष प्रणाली पर किया था, ई तीन है तो ई तीन को देखिए इधर से उठा कर लिख दिया। उसी प्रकार से ई आठ है तो आखिरी में देखिए लिया के आठ लिख दिया। उसी प्रकार से ई आखिरी में तीन है दोस्तों, इसका तो यहाँ पर तीन लिख दिया। तो उसी प्रकार से इसका आखिरी में आठ है तो आठ लिख दीजिए। तो 648 क्या हो जाएगा सर, एक विशेष प्रणाली पर खाली अंक को इधर से उधर करके लिख दिया और इसका आंसर कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा, बस इधर उधर उल्टा के लिखा था, बस आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया, नवा नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह संख्या को अदल बदल कर समीकरण सही होगा, यानी कहने का मतलब आपको इस चिन्ह को बदलना है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, आखिर इस चिन्ह को बदल के रखना है और 16 लाना है। तो ये देखिए सबसे पहले आप ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए उठाएंगे और रखेंगे। तो रखते हैं मान के चलिए कि जैसे ये देखिए पाँच रखिए, प्लस के जगह क्या लेना है दोस्तों, वहाँ पर गुना कर देना, जैसे पाँच के बाद प्लस है तो यहाँ पर गुना कर देंगे और दो कर देंगे, ठीक है। और जहाँ प्लस मिलेगा यानी जहाँ गुना मिलेगा तो वहाँ प्लस कर देंगे, वही चिन्ह को अदल बदल करना, जहाँ प्लस है वहाँ पर गुना और जहाँ गुना है प्लस, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस 10 कर देंगे। तो क्या हम लोगों का 16 हो पा रहा है, देख लेते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। 5×10 हो जा रहा है और प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2 का 2 और माइनस इधर 10, तो 10×2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 में से 10 घटेगा 2 आ रहा है, 16 कहाँ आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। अब ऑप्शन नंबर आप बी को हटाइए, यानी कि अब अंक को बदलना, यानी 5 के जगह 10 ले लेना। तो ये देखिए शुरू में 5 है तो वहां पर क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, प्लस 2 का 2 कर लेंगे, इसको बदल दिए इस तरीके से। और जहां ये देखिए यहां पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 2, अब माइनस का माइनस, अब जहां 10 था तो वहां पे क्या कर लेंगे दोस्तों, 5 कर लेंगे। इसको सॉल्व करके दिखाना है कि 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग कर लेते हैं। इसमें दिक्कत क्या है कि 10×2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12×2 क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 10×2 क्या हो जाएगा, 12×2 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो 12×2=24 हो जाएगा। तो 24 में जैसे ही 5 घटेगा तो क्या हम लोगों का 16 आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा सर, 24 में 5 घटेगा 16 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपको सी चेक करके देखना होगा, फिर डी चेक करके, ऐसे कर करके आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने 5 ले लिए तो 5 कर लिए, अब प्लस के जगह माइनस ले लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर कर लेंगे 2, क्योंकि प्लस क्या वही अदल बदल करना, अदल जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी उठाए। तो माइनस कर लिया और 5 और -2 और गुना का गुना कर देंगे, जहाँ माइनस है वहाँ पर प्लस कर देंगे दोस्तों, और 10 का 10 कर देंगे, और बराबर 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही रवैया आपको इसमें रचना है। ये देखिए 5 में 2 घटेगा तो हम लोगों का 3 हो जाएगा,
क्या हो जाएगा दोस्तों, पांच में दो आएगा तो हम लोगों का तीन हो जाएगा, गुना का दो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का दस हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का सोलह का सोलह। तो देखना है बराबर के उस पार से इस पार हो रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नहीं, तो तीन दुना छ प्लस दस, तो छ प्लस दस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों सोलह हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। जैसे बत्तख है, गोरैया है, कबूतर है, मुर्गा है, तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, बाकी जितने हम लोगों का ये देखिए कबूतर हो गया, उसके बाद गोरैया हो गया, उसके बाद हम लोगों का मुर्गा हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का पानी में नहीं रहता है और पानी में नहीं तैरता है, पानी में हम लोगों का पानी में नहीं तैरता है, यानी कि वो सब कभी कभार के लिए जाता है, पानी में नहीं यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों तैरता है, वो कभी कभार गया थोड़ा देर के लिए, लेकिन बत्तख हमेशा हम लोगों का किस में रहता है दोस्तों, पानी पर ही तैरता है, यानी कि वो क्या करता है पानी में तैरते रहता है, पानी में नहीं तैरता है बत्तख क्या हो जाएगा दोस्तों पानी में, इसीलिए इस समूह में से भिन्न यानी अलग हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए आखिर इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे कर सकते हैं, यही बात आपको समझना कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग दिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। बस चार जैसे दिया है, बत्तख को छोड़कर जितना भी है दोस्तों ये सब हम लोगों का पानी में नहीं तैरता है, बत्तख हम लोगों का पानी में तैरता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न कैसे करेंगे, तो ये बात को समझिए। यहाँ पर कह रहा है क्या 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 दिया है दोस्तों, ये देखिए तो कह रहा है कि एक कमरा फूलों से सुंदर लगता है, कथन में यही बात कह रहा है कि एक कमरा जो है फूलों से सुंदर लगता है, निष्कर्ष में कह रहा है कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए उगाया जाता है। अच्छा अच्छा, यानी फूल जो है एकदम खाली कमरे के सजावट के लिए उगाया जाता है, इस सरासर हम लोगों का गलत हो जाएगा कि फूल जो है हम लोगों को वहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक कमरा जो है फूलों से सुंदर लगता है, अब यहाँ कह रहा है कि फूल जो है कमरों की ही सजावट के लिए उगाया जाता है, क्या ये बात हम लोगों का सरासर गलत हो जाएगा, क्या फूल खाली हम लोग कमरे के सजावट के लिए उगाते हैं, फूल तो हर जगह लगा सकते हैं कहीं भी जहाँ भी, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। कह रहा है बिना फूलों से कमरा भद्दा लगता है, ये भी बात गलत हो जाएगा, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। निष्कर्ष ना तो अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे करे, एक फूला करे कि एक कमरा जो फूलों से सुंदर लगता है, अगर फूल कमरा में न लगाएंगे, कह रहे कि फूल जो है कमरों की सजावट के लिए उगाए जाते हैं, ऐसा बात गलत हो जाएगा। कह रहा है बिना फूलों से कमरा भद्दा लगता है, ये भी बात गलत है, तो आपको कथन से ही निष्कर्ष को रिलेटेड करना और उसी के बारे में सोचना, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दोनों का दोनों गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है बारहवा नंबर क्वेश्चन, इधर एक अर्थ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी का अर्थ भागा है, तो आप ले लीजिए, यानी जो जो दिया है वो तो बोलिए दिया है कि पी की जगह आप क्या ले लीजिए दोस्तों भागा ले लीजिए, उसके बाद हम लोगों के सामने बोल रहा है कि क्यू की जगह क्या लेना है गुना ले लेना है, और आर के जगह हम लोगों के सामने क्या ले लेना है प्लस ले लेना है, और एस के जगह हम लोगों के सामने माइनस ले लेना, बस इतना ही बात करना और प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिख देंगे 18, उसके बाद Q, तो Q के जगह क्या बोलने हैं गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर रख देंगे दोस्तों हम लोगों का 20, क्या रख देंगे 20, उसके बाद लिखा है P, तो P के जगह भागा है तो भागा रख देंगे, यहाँ पर भागा रख देंगे, उसके बाद 4, R है तो R के जगह प्लस है तो प्लस रख देंगे, अब 5, और S के जगह क्या बोला है तो S के जगह माइनस और 6, बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 18, पहले यहाँ गुना नहीं होगा पहले भाग का काम, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 20, क्योंकि 20 में 4 से भागा दे दिए, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 6, ये देखिए 18 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90, तो 90 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। ये देखिए एक स्टेप कर देते हैं, 18 पंचे क्या दोस्तों हम लोगों का 90, आप प्लस यहां पर कर देंगे 5, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 6, बस आगे बढ़ा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा, तो 95 क्या हो जाएगा 95, अब 95 में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 95 में 6 घटा देंगे, तो जैसे ही 95 में हम लोगों का 6 घटेगा तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, हाँ तो 89 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, एक कोड दिया गया, यानी कि हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों कोड, और उसको लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट कर लेंगे जिसका हम लोगों का निकालना है, नहीं निकालना है किसका, हम लोगों का आर, उसके बाद ई,
उसके बाद पी, उसके बाद ए, उसके बाद आई और आर, यानी रिपेयर का निकालना है। तो रिपेयर का निकालना है तो आप निकाल लीजिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सब में तीर लगा लीजिए। उसके बाद अब वहाँ पे ढूंढिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन मिल रहा है, उसका कोड दिया होगा। तो जैसे हम लोगों का आर है, तो आर देखिए हम लोगों को कहाँ ही मिल रहा है, हाँ तो यहाँ पर शुरू में आर मिल गया। ये देखिए आर, तो आर का कोड क्या है दोस्तों, एट द रेट है, तो एट द रेट इस तरीके से घुमा के लिख देंगे। उसके बाद देखिए ई, तो ई हाँ, तो यहीं पर ई मिल गया, तो ई मिल गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत, आर के जस्ट बगल में ही ई है तो उसके दिया है प्रतिशत। फिर पी, तो हम लोगों का पी देखिए कहाँ मिल रहा, हाँ तो पी यहाँ भी मिल रहा है, शुरू में मिल रहा है, देखिए तो हम लोगों का पी शुरू में है, तो इसका क्या दिया है दोस्तों, हच का सिंबल दिया है, तो हच यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद ए, तो ए कहाँ मिल रहा है, ए हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ मिल रहा है, जहाँ भी कहीं मिलेगा तो वहाँ पर, हाँ तो ए यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, पी आर ए, ये देखिए आज जो प्रेज लिखा हुआ है, तो हम लोगों का ए मिल रहा है, तो ए मिल रहा है तीसरा पे, तो तीसरा पर डॉलर का निशान दिया है, तो इस तरीके से आप डॉलर का निशान इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद आई, तो ये देखिए ए के बाद ही आई लिखा है, तो ए के बाद ही आई लिखा है, तो यानी कि इसका क्या है दोस्तों, हम लोगों का दो लिखा हुआ है, देखिए ना आई दिया है, तो आई यानी कि चौथा लेटर पे है, चौथा लेटर पे, तो एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ तो दो हो जाएगा। उसके बाद आर, तो आर का तो अभी लिखे थे कहीं, हाँ तो आर का एट द रेट है, तो फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, एट द रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है, तो हम लोगों का देखा जाए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना एट द रेट प्रतिशत है डॉलर दो स्टार, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि 13 के बाद 14, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए अगर इस तरीके से लिखा है तो हमेशा आप यही लॉजिक लगाएंगे, क्या ये देखिए कि यदि जेड से भी पे आ रहे हैं तो ए बी सी डी में कितना लेटर कमी कर रहा है, यहाँ पर चार लेटर क्या कर रहा है दोस्तों, कम कर दे रहा है, तो यहाँ पर चार लेटर आप क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। उसी प्रकार से ये देखिए भी से यदि आर पे आ रहे हैं, तो भी से आर पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोगों का चार लेटर कमी। उसी प्रकार से एन पे आ रहे हैं दोस्तों, चार लेटर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। ये देखिए यू से क्यू पे आए, तो यू से क्यू पे चार लेटर कमी, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का चार लेटर क्या कर दे रहा है, कमी कर देना है। उसी प्रकार से ये देखिए क्यू से यदि एम पे आ रहे हैं दोस्तों, चार लेटर कमी। उसी प्रकार से इससे आ रहे हैं, तो हम लोगों का चार लेटर क्या हो रहा है दोस्तों, कमी, यानी चार चार लेटर क्या कर दे रहा है दोस्तों, इसमें कमी कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए, अच्छा नहीं लग रहा है कहीं पे हम लोगों का किया है, हाँ तो आखिरी में क्या है, क्या किया है दोस्तों, उसने तीन लेटर कर दिया। अच्छा तो यहाँ पर उसने तीन लेटर कर दिया, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, तीन लेटर। बाकी देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर आ रहे हैं तो चार लेटर कमी, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो चार लेटर कमी, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो चार लेटर कमी, सब में चार चार लेटर का कमी क्या है, यानी ए बी सी डी में। अरे आपको सोचना कहाँ था, ए बी सी डी में देखिए सब में चार चार लेटर का क्या क्या है, कमी कर दिया कि देखिए सब में चार चार लेटर, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका बी में क्या किया है दोस्तों, एक जगह उसने तीन लेटर किया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही है। कभी भी इस तरीके से आपका प्रश्न लिखा रहे तो हमेशा आप सबसे पहले यही लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद ही कोई लॉजिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, इधर कि किसी संकेतिक भाषा में, यानी कि एक संकेत दिया है दोस्तों, तो आप संकेत को सबसे पहले लिख लीजिए। जैसे हम लोगों का लिखा है कि आर, तो इसको ऐसे लिखेंगे कैसे दोस्तों, आर, उसके बाद हम लोगों का लिखा है आर, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है डबल एन, यहाँ पर ये देखिए क्या कर लेंगे दोस्तों, आर, उसके बाद हम लोगों का डबल एन, उसके बाद ई, और क्या लिखा है आर, और उसी का कोड लिखा है नीचे लिख लीजिए एस यू, तो एस यू, उसके बाद डबल एम, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का आर लिखा है। तो हमसे पूछा क्या है, W I, उसके बाद N, उसके बाद T, उसके बाद E, और क्या है हम लोगों का R है, तो इसी का निकालना है, तो इसका निकाल देते हैं। देखिए कैसे क्या इस सब बात आपको बता देते हैं कि R से यदि S पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों का A B C D में सोचना है एक लेटर प्लस किया, लेकिन U से U ही रख दिया है, N से यदि M पे जाएंगे तो प्लस वन किया है, N से यदि M पे जाएंगे तो प्लस वन किया है, E का E ही रख दिया, R का R ही रख दिया, यानी कहने का मतलब इस सब में क्या किया दोस्तों, कहीं कहीं प्लस उसने क्या किया, जीरो कर दिया, यहाँ भी प्लस उसने क्या किया, जीरो किया है, और यहाँ भी प्लस उसने क्या किया दोस्तों, जीरो कर दिया, यानी कहीं कहीं आपका जीरो क्या है, कहीं कहीं प्लस वन। तो इस तरीके से ही आप यहाँ पर करेंगे, यानी पहला वाला में क्या किया है, प्लस वन किया, तो वैसे ही करना, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या किया था, उसने जीरो किया था, जीरो कर देंगे। उसके बाद डबल बार किया है माइनस वन, यहाँ भी हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, डबल बार माइनस वन किया है, तो डबल बार क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस वन कर देंगे। ये देखिए जैसे जैसे उसने किया था, यानी कि हम लोगों का ये देखिए तीन और तीन छः है, तो इधर भी हम लोगों का तीन तीन छः है, तो ये देखिए पहले वाला में हम लोगों का प्लस, उसके बाद जीरो, उसके बाद हाँ तो प्लस वन क्या है, यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों, प्लस वन, तो प्लस वन कर देंगे। ये देखिए ना
अच्छा, एन से यदि एम पे आया है, एन से यदि एम पे आया तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर दिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ किए हैं कि क्या, ये देखिए यहाँ पर हम लोग गड़बड़ किए हैं कि इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस किया उसने, क्या किया दोस्तों यहाँ पर माइनस किया, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का दिक्कत हुआ। ये देखिए कि U का U ही रख दिया है, M से N से यदि M किए तो माइनस वन किए हैं, N से M पे किए तो माइनस वन कर दिए हैं, और R से ये देखिए कैसे कैसे करके दिया है, एकदम अजीब टाइप, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसको भी ऐसे छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या किया दोस्तों, उसने प्लस वन किया, थोड़ी W के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो W के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x हो जाएगा, w के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको ऐसे ही रख देना, i का i ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या कर देना है दोस्तों, हम लोगों का माइनस वन कर देना है, तो जैसे ही माइनस वन करेंगे i a n में से, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें हम लोगों को क्या कर देना है दोस्तों, माइनस वन कर देना, तो जैसे ही इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको हम लोगों का हूबहू ऐसे ही रख देना है, जैसे पहला वाला निकला और उसी प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने का रहा दोस्तों, प्रातः काल में सूर्य की ओर मुंह करके, तो यानी कि प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करके, यानी कहने का मतलब किधर है दोस्तों, हम लोगों का पूर्व की ओर है, बात किसका कर रहा है, पूर्व की ओर का कर रहा है, तो यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का इधर हो जाएगा दोस्तों, हमेशा पूर्व लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं, इधर पश्चिम ले लेंगे, और ऊपर में यहाँ पर क्या ले लेना है, उत्तर ले लेना है, और नीचे क्या ले लेना है दोस्तों, इसका दक्षिण ले लेना है। ये देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, दक्षिण कर लेंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम को बना लेंगे, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, यानी कि ये देखिए इधर पूर्व लिए, इधर पश्चिम लिए, ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण, बस आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा है सूर्य की ओर मुंह करके वो 2 किलोमीटर चला है, तो जैसे जैसे चला है चला दीजिए दोस्तों, सूर्य की ओर मुंह करके 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर चला दिए 2 किलोमीटर। उसके बाद वो कह रहा है कि हम लोगों का दाई ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो दाई ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चला दीजिए, एक अनुमानिक तौर पर ले लिए 4 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर कह रहा है कि दाई ओर कह रहा है कि वह रुक कर वहाँ से 4 किलोमीटर दाई ओर चला, उसके बाद कह रहा है कि वहाँ फिर से वह सूर्य की ओर मुँह करके, सूर्य की ओर मुँह करके यानी पूरब की ओर चला, कितना दोस्तों, 1 किलोमीटर चला, और फिर वह कह रहा है कि दाई ओर मुड़ गया, यानी कि फिर से दाई ओर मुड़ा, तो अब किधर हो जाएगा दोस्तों, नीचे कौन दिशा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा, क्योंकि उसका मुंह फिर से कहां है कि फिर दाईं ओर चला है, तो अब किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सिलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।